चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम ऑल इंडिया कोटा के राउंड वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि क्या राउंड वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है ऑल इंडिया कोटा की। तो इसमें मैंने जो पैरामीटर्स को देखते हुए ये कट ऑफ निकाली है उसमें मार्क्स वर्सेज रैंक को ध्यान में रखा है, सीट वर्सेज रैंक का जो रेशियो हम 2.4 का लेके चलते हैं उसका ध्यान रखा है, सीट कितनी इंक्रीज हो रही है उसका ध्यान रखा है। इसके बाद स्टेट वाइज कैंडिडेट का क्या परफॉर्मेंस है, जैसे लो कट ऑफ के स्टेट्स हैं उनके स्टूडेंट्स ने कितनी परफॉर्मेंस किया है 22 में उसको ध्यान रखा है, और 21 से लेके 16 तक का डाटा इसमें हमने कंपेयर किया है जो इससे प्रीवियस ईयर में क्या रैंक पर क्या कट ऑफ रही थी और उसके रीजन क्या थे, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की है। तो इसमें 2 मार्क्स का अप डाउन रह सकता है, ज्यादा मार्क्स का अप डाउन रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है। वो इसलिए रह सकता है कि अभी सीट इंक्रीज हो रही है, सीट इंक्रीज का डाटा हमारे पास आया नहीं है, तो ये इस डाटा के कारण ये 2 मार्क्स का डिफरेंस अप डाउन हो सकता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस अप डाउन नहीं होगा। मैं आपको जो एक्सपेक्टेड मार्क्स बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें मैंने बहुत कुछ जानकारी दे रखी है जो आपको बहुत जानना जरूरी है। ऑल इंडिया कोटा स्टेट वेटनरी आयुष के लिए ये बुक अवेलेबल है, इसमें 2022 के लिए च्वाइस लिस्ट भी दे रखी है। जैसे ही आप ये बुक डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रह सकती है 21 में कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पर। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रह सकती है, जनरल जिसको ओपन यूआर भी कहा जाता है, इसकी जो कट ऑफ रह सकती है फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 613 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है। ये 613 मार्क्स मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 2 मार्क्स का अप डाउन हो सकता है, हो सकता है ये 615 भी हो जाए और हो सकता है ये 611 भी हो जाए, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये 613 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है फर्स्ट राउंड के लिए। अब सेकेंड राउंड की कट ऑफ की बात करें तो ये 605 मार्क्स जा सकती है, 2 मार्क्स का मैंने अप डाउन किया है, तो 607 भी हो सकती है और 603 भी हो सकती है सेकेंड राउंड में। इसके बाद में मॉपअप राउंड की बात करें तो 601 कट ऑफ जा सकती है, 2 मार्क्स का डिफरेंस इसमें यहां भी हो सकता है। इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करें तो 597 से 595 मार्क्स जा सकती है। मैंने 2 मार्क्स का डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया है कि ये 2 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इस बार रैंक स्टूडेंट की ज्यादा बढ़ी है तो सीटें भी ज्यादा बढ़ेंगी। तो हम ये लेके मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट राउंड की 613 रहेगी, सेकेंड राउंड की 605, मोपअप की 601 और 597 से 595 जनरल यूआर ओपन कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। अब हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है फर्स्ट राउंड की 611, सेकेंड राउंड की 604, मोपअप की 601 और स्ट्रे की 597 से 595। जो इसमें स्ट्रे का अप डाउन होता है मोपअप और स्ट्रे में, जनरल और ओबीसी में ज्यादा अप डाउन नहीं रहता है, ये सेम ही रहता है, लेकिन फर्स्ट और राउंड सेकेंड राउंड में थोड़ा सा अप डाउन रहता है इसमें, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रह सकती है वो फर्स्ट राउंड में 610 रह सकती है, सेकेंड में 603, मोपअप में 601 और स्ट्रे में 595 और 597 के बीच में रह सकती है। इसमें भी जो जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो डिफरेंस रहता है मोपअप और स्ट्रे में ज्यादा नहीं रहेगा, रैंक में फर्क रहेगा, मार्क्स में इतना कोई फर्क नहीं रहता है, फर्स्ट और सेकेंड राउंड में थोड़ा सा इसमें फर्क रह सकता है, तो ये कट ऑफ जा सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब हम बाद में बात करते हैं आगे एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की 505 कट ऑफ जा सकती है, सेकेंड राउंड की 492 जा सकती है,
मोपअप राउंड की 485 जा सकती है और स्टेप की 475 से 480 कट ऑफ जा सकती है एससी कैटेगरी की। अब बात करेंगे हम एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ जा सकती है फर्स्ट राउंड की 485 जा सकती है, सेकंड राउंड की 480 जा सकती है, मोपअप राउंड की 465 जा सकती है, स्टे वैकेंसी की 455 से 460 कट ऑफ जा सकती है। तो ये कट ऑफ मार्क्स मैंने ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की है, तो इसमें 2 मार्क्स का अप डाउन हो सकता है। तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ 22 के लिए रह सकती है राउंड वाइज कट ऑफ। तो ये कट ऑफ मैंने जो प्रेडिक्ट की है उसमें ज्यादा वेरिएशन का अंतर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी आप अगर काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए उसके बारे में जानकारी, स्टेट और ऑल इंडिया की अलग अलग बुक है। आप ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ये आपके बहुत काम आएगा। हम स्टेट्स और ऑल इंडिया की सभी की काउंसलिंग अपडेट्स समय समय पर लेके आते रहते हैं। अगर ये वीडियो लाइक करें अगर पसंद आता है तो, और डिसलाइक करें पसंद नहीं आता है तो, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं। दोनों में एक ऑप्शन आप जरूर अप्लाई करें, या तो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें, अदरवाइज लाइक करें। मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।